माय नेम इज नीरज कश्यप और क्लैरिटी कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। सो आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है फंडामेंटल राइट, यानी कि मूल अधिकार। और ये फंडामेंटल राइट हमारे संविधान में भाग तीन में और ये आर्टिकल 12 से लेकर 35 आर्टिकल में मूल अधिकार की बात होती है। बात करें कहाँ से लिए गए, तो ये मूल अधिकार अमेरिका से लिए, यानी कि USA से लिए गए। सो आगे देख लेते हैं क्या होते हैं इनके फीचर्स, विशेषताएं। सो पहली पॉइंट, दे आर जस्टिसिएबल, यानी कि मूल अधिकार न्यायोचित होते हैं। कहने का ये मतलब हुआ होता है अगर किसी भी इंसान का मूल अधिकार का हनन होता है तो वो न्यायालय में जा सकता है और न्यायालय उसके लिए बाध्य होगी कि उसका मूल अधिकार पुनः से जीवित करें। दूसरा पॉइंट, फंडामेंटल राइट आर क्वालिफाइड बट नॉट एब्सोल्यूट। फंडामेंटल राइट क्वालिफाइड होते हैं लेकिन एब्सोल्यूट नहीं होते। तीसरा, मौलिक अधिकार नागरिकों के लिए मौजूद होते हैं, यानी कि फंडामेंटल राइट आर अवेलेबल फॉर ऑल द सिटीजन्स। कहने का मतलब होता है किसी भी देश के नागरिक के लिए सारे मूल अधिकार मौजूद होते हैं। नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट सैक्रोसैंक्ट और परमानेंट, यानी कि फंडामेंटल राइट ना तो स्थायी होते ना ही पवित्र होते हैं। सो बेसिकली मोटा मोटा कह सकते हैं कि मूल अधिकारों की विशेषताएं हैं। अगला, क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है मूल अधिकार और मानवाधिकार में? तो कह सकते हैं कि जितने भी मूल अधिकार हैं वो मानवाधिकार हैं, लेकिन सभी मानवाधिकार मूल अधिकार नहीं है। ऑल द फंडामेंटल राइट्स आर ह्यूमन राइट बट ऑल ह्यूमन राइट्स आर नॉट फंडामेंटल राइट। आप इस वेन डायग्राम के माध्यम समझ सकते हैं, मानवाधिकार पूरा का पूरा बड़ा सर्कल है जबकि मूल अधिकार एक छोटा सा सर्कल है। तो इस फिगर से आप समझ सकते हैं कि मानवाधिकार बड़े होते हैं जबकि मूल अधिकार मानवाधिकारों का हिस्सा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवाधिकार समस्त मानव जाति के लिए उपलब्ध होते हैं। जस्ट ए मिनट, यह मानवाधिकार समस्त मानव जाति के लिए उपलब्ध होते हैं जबकि फंडामेंटल राइट केवल एक देश के नागरिकों के लिए ही उपलब्ध होते हैं। तो अब देख लेते हैं भारत में मूल अधिकारों की स्थिति। सो कह सकते हैं भारत में मूल अधिकार वर्तमान समय में 6 प्रकार के हैं। सो पहला प्रकार क्या है, राइट टू इक्वालिटी, यानी कि समानता का अधिकार। और दूसरा कह सकते हैं कि आज़ादी का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। थर्ड वन इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लाइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की आज़ादी या धर्म की स्वतंत्रता। नेक्स्ट पांचवा, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार। और छठा हम लोग कह सकते हैं कि संवैधानिक उपचार या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। देख लेते हैं आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 समानता की अधिकार की बात करता है, जबकि आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है। नेक्स्ट, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करता है, जबकि आर्टिकल 25 से लेकर 28 धर्म की स्वतंत्रता की बात करता है। नेक्स्ट, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 शैक्षिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों की बात करता है, जबकि आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचार की बात करता है। संवैधानिक उपचार मतलब अगर किसी व्यक्ति का मूल अधिकार हनन होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में शिकायत दर्ज कर सकता है, और इस आर्टिकल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट प्रार्थी को मना नहीं कर सकता कि मैं आपके फंडामेंटल राइट को, यानी कि मूल अधिकार को बचाऊंगा नहीं। सो अगली बात, अगला नोट ये है कि राइट टू प्रॉपर्टी, जो संपत्ति का अधिकार था, वो वर्ष 1978 में 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत हटाया गया था, और वर्तमान समय में जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो एक कानूनी अधिकार बन गया, यानी कि लीगल राइट बन गया है। यानी कि जब यह मूल अधिकार था तो राज्य भी किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उसकी भूमि नहीं ले सकता था, लेकिन अब ये आर्टिकल 300
ए में है, इसका मतलब क्या है, ये कानूनी अधिकार बन गया और राज्य के अलावा किसी भी व्यक्ति को अनुमति नहीं है कि वह उस व्यक्ति के विरुद्ध इच्छा के उनकी जमीन को हथियाए। सो अगली बात करते हैं, आर्टिकल 14 क्या बात करता है। आर्टिकल 14 कहता है कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण, यानी कि कानून के आगे सभी लोग बराबर है, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये हम लोगों ने आर्टिकल 14 में जाना। आर्टिकल 15 कहता है कि स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि राज्य किसी भी व्यक्ति को केवल उसके धर्म नस्ल जाति लिंग अथवा जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 15। आर्टिकल 16 में कहता है कि स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट इन द पब्लिक ऑफिस ऑन द बेसिस ऑफ रेस कास्ट सेक्स बर्थ ऑफ प्लेस एक्सेट्रा। सो कह सकते हैं कि राज्य किसी भी सरकारी नियुक्ति के लिए किसी भी नागरिक का शोषण या भेदभाव उसके धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, जाति लिंग और वंश के आधार पर नहीं करेगा। ये बात कहते आर्टिकल 16 अनुच्छेद 16। अगला आर्टिकल 17 क्या कहता है, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का उन्मूलन, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि छुआछूत के विरुद्ध कोई भी गलत बात नहीं कहेगा, अगर ऐसा करता है तो उसे कानूनी अपराध में गिना जाएगा। तो ये आर्टिकल 17 बात होती है। अगला आर्टिकल 18 या फिर अनुच्छेद 18, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल, उपाधियों का उन्मूलन, यानी कि कोई भी व्यक्ति राज्य एवं डिफेंस को छोड़कर अपने नाम के आगे कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकता। अगला जो प्रकार आता है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसे हम लोग कहते हैं राइट टू फ्रीडम, और राइट टू फ्रीडम में अगर हम बात करेंगे तो आर्टिकल 19 से 22 और हमारा पहला आर्टिकल है आर्टिकल 19A। आर्टिकल 19 से हमको शक्ति देता है कि बोलने की एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, आप अपने फ़ोन के माध्यम से, मुंह के माध्यम से, पत्र के माध्यम से, इशारों के माध्यम से अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं और ये अधिकार आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। हाँ, कुछ कंडीशन होती हैं जब राज्य आपसे ये शक्ति छीन लेगा, और कब छीन लेगा, जब देश में इमरजेंसी लगेगी अंडर आर्टिकल 352, इस कंडीशन में आपके मूल अधिकार ले लिए जाएंगे। नेक्स्ट 19B कह सकते हैं कि बिना हथियार के एकत्र होने का अधिकार, ये आर्टिकल 19B में है। थर्ड राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, संघ संगठन एवं सहकारी समिति बनाने का अधिकार आर्टिकल 19C में है। नेक्स्ट देश में भ्रमण करने का अधिकार आर्टिकल 19D में, आप देश के किसी भी कोने में भ्रमण कर सकते हैं बिना किसी पासपोर्ट के, बिना किसी वीजा के। नेक्स्ट राइट टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, ये बात कहता है आर्टिकल 19E, यानी कि देश में कहीं भी आप निवास कर सकते हैं, कोई भी रोक टोक नहीं की जा सकती कि आप इस राज्य के और इस राज्य में नहीं रह सकते। नेक्स्ट आर्टिकल 19F व्यवसाय का अधिकार, आप कोई सा भी प्रोफेशन कर सकते हैं, कुछ इसके अपवाद भी होते हैं जैसे स्मगलिंग, ट्रैफिकिंग, इनका आप व्यापार नहीं कर सकते और बाकी किसी का व्यापार कर सकते हैं जिसमें कोई भी हर्ज नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। पहला कहता है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी कि आर्टिकल 20 में तीन पार्ट हैं। एक कहता है कि एक निश्चित समय के बाद अगर कोई अपराध होता है तो वो अपराध उस समय वैलिड होगा जिस समय वो अपराध किया गया है। अगला आपसे जबरदस्ती आपसे जबरदस्ती
जी आपसे जबरदस्ती कोई भी गवाही नहीं ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट कि एक इसी आर्टिकल में एक और बात लिखी, कोई भी दोहरा खतरा नहीं, यानी कि आप एक अपराध करने पर आपको एक ही बार सजा मिलेगी, बार बार नहीं सजा मिलेगी। नेक्स्ट आर्टिकल 21 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, ये आर्टिकल 21 हमको शक्ति देता है। सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर आर्टिकल 21 को व्याख्या की कि आर्टिकल 21 में क्या आता है, कह सकते हैं आजीविका का अधिकार, निजता का अधिकार, आश्रय का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, भारतीय मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार, मुफ्त कानूनी मदद का अधिकार, अमानवीय व्यवहार के खिलाफ अधिकार, बंधुआ मजदूरी के खिलाफ, राइट टू जानकारी का अधिकार, ये सब सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर इस आर्टिकल में सम्मिलित करते गए। अगला हम लोग कह सकते हैं बड़ा इम्पॉर्टेंट ये है आर्टिकल 21 है, शिक्षा का अधिकार, ये जोड़ा गया था 6वें संविधान संशोधन 2002 को। इसी संविधानिक संशोधन के अंतर्गत अनुच्छेद 21A जो कि शिक्षा का अधिकार है उसे मूल अधिकार बना दिया गया, और इसमें बोला गया कि सभी बच्चे जिनकी उम्र 6 वर्ष से 14 वर्ष की हो है उनको राज्य फ्री में मुफ्त में शिक्षा प्रदान कराएगी। नेक्स्ट आर्टिकल 22 कहता है कि गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध सुरक्षा, यानी कहते हैं गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित करने का अधिकार, जब भी आपको पुलिस गिरफ्तार करेगी तो आपको गिरफ्तारी का कारण बताएगी। दूसरा कहता है कि आप अपनी मर्जी से किसी भी कानूनी सलाहकार की सलाह ले सकते हैं, इस पर राज्य और कोई भी कानून आपको रोक टोक नहीं करेगा। नेक्स्ट इस आर्टिकल 22 के अनुसार मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर प्रस्तुत करना होगा। अगर बात कर लें तो गिरफ्तारी दो प्रकार की होती, एक होती दंडात्मक, एक होती निवारक। दंडात्मक गिरफ्तारी तब होती है जब आप कोई दंड करते, जबकि निवारक गिरफ्तारी तब होगी जब राज्य को लगेगा कि आप समाज में कोई शांति भंग कर सकते हैं। सो अगला राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन आर्टिकल 23 सॉरी प्रोविजन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, यानी कि अनुच्छेद 23 ही हमको शक्ति देता है कि अगर कोई मानव तस्करी हो रही है, जबरन मजदूरी हो रही है, तो उसके विरुद्ध हम एक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद 24 के अनुसार फैक्ट्रियों में बच्चों के रोजगार का निषेध, यानी कि फैक्ट्रियों में बच्चों को काम नहीं कराया जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल 25 ये कहता है सभी व्यक्ति समान रूप से अंतरात्मा की आज़ादी और धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने का अधिकार के हकदार है। आप अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को, किसी भी विश्वास को, किसी विचार को मान सकते हैं और उसका प्रचार कर सकते हैं, राज्य आपको किसी भी प्रकार का रुकावट पैदा नहीं कर सकती, ये बात कहता है अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 26 कहता है कि प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी वर्ग को अपने मामले को स्थापित करने व प्रबंधित करने का अधिकार है। आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, अपने धर्म के मामलों को स्थापित करने और प्रबंध करने का अधिकार अनुच्छेद 26 आपको देता है। अनुच्छेद 27 धर्म के प्रचार के लिए कराधान से मुक्ति, राज्य किसी भी धर्म के प्रचार के लिए कोई भी टैक्स नहीं लगा सकती है। नेक्स्ट आर्टिकल 28 पूरी तरह से राज्य निधि से बनाए गए किसी भी शैक्षिक संस्थान में कोई भी धार्मिक निर्देश प्रदान नहीं किया जाएगा। अगर कोई ऐसा शैक्षिक संस्थान है जिस पर सरकार द्वारा निधि दी जा रही है, धन दिया जा रहा है, तो उस शैक्षिक संस्थान में किसी विशेष धार्मिक निर्देश नहीं दिए जा सकते, ये आर्टिकल 28 शक्ति देता है। अगला कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29 ये बोलता है भारत के किसी भी हिस्से के नागरिकों को किसी भी वर्ग के विशिष्ट भाषा को, लिपि को, संस्कृति को संरक्षण रखने का अधिकार है। भारत के किसी भी हिस्से में जितने भी नागरिक आते हैं वो अपनी भाषा को, अपनी लिपि को, अपनी संस्कृति को बचा सकते हैं, बचाने का प्रयास कर सकते हैं, और ये अधिकार अनुच्छेद 29 देता है। नेक्स्ट आर्टिकल 30 क्या कहता है, आर्टिकल 30 कहता है कि शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों को अधिकार है।
आर्टिकल 32 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस अधिकार को B.R. अम्बेडकर जी ने कहा है मौलिक अधिकार संविधान की आत्मा है। आर्टिकल 32 संविधान की आत्मा है। इसके अनुसार मौलिक अधिकारों की रक्षा का अधिकार अपने आप में एक मूल अधिकार है या मौलिक अधिकार को जीवित बनाता है या संविधान की मूल संरचना का भाग है। मूल संरचना केशवानंद भारती के 1973 में सुप्रीम कोर्ट की एक अवधारणा प्रतिपादन की गई थी और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने निर्देशों को कुछ ऑर्डर की मदद से प्रोवाइड कराते हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं रिट्स। रिट्स होती हैं 5 प्रकार की, जिसे बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रक्षा, और किसे बोलते हैं अधिकार प्रक्षा। अब आते हैं आर्टिकल 33, 34, 35, ये किससे संबंध रखते हैं सैन्य बल और मूल अधिकार। तो आर्टिकल 33 संसद को यह शक्ति देता है कि सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों के सदस्यों के मूल अधिकार का निरस्त प्रतिबिंब करने का अधिकार देता है। आप किसी भी फोर्स में हो, पुलिस में हो, अर्धसैनिक बल में हो या फिर किसी खुफिया एजेंसी के सदस्य हो, आपके मूल अधिकार जीवित नहीं रहेंगे। ये आर्टिकल 33 बात करता है। आर्टिकल 34 बात करता है कि मार्शल कानून, यानी कि यह भारत में किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू करने पर मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करने की शक्ति देता है। आखिरी जो कहते हैं आर्टिकल 35, यह संसद को शक्ति देता है कि मूल अधिकार के संबंध में कानून बनाने का अधिकार संसद के पास, और वो कानून जो भी बनेंगे वो पूरे भारत पर लागू होंगे। हमने पढ़ा आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 35 तक, लेकिन शुरू में हमने बताया था आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35, तो हमने छोड़ दिए आर्टिकल 12 और 13। तो आर्टिकल 12 एक बार देख लेते। तो आर्टिकल 12 कहता है राज्य की परिभाषा। तो राज्य की परिभाषा क्या होती है? राज्य की परिभाषा होती है, इसमें संसद आएगी, विधानसभा आएगी, विधान परिषद आएगी, नगर पालिका आएगी, ग्राम पालिका आएगी, राष्ट्रपति का अध्यादेश आएगा, राज्यपाल का अध्यादेश आएगा और अन्य जिसके पास कानून बनाने की शक्ति है वो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। ये बात आर्टिकल 12 कहता है। आर्टिकल 13 कहता है अगर राज्य द्वारा बनाया गया कोई भी कानून अगर मूल अधिकार का हनन करता है तो न्यायालय उस कानून को उस हद तक निलंबित कर देगा जिस हद तक वह मूल अधिकारों का शोषण कर रहा हो। ये आर्टिकल 13 इस बात की शक्ति देता है। तो कह सकते हैं कि आर्टिकल 13 अनुच्छेद 13 संवैधानिक समीक्षा करने की शक्ति देता है। उम्मीद करते हैं ये मूल अधिकार से संबंधित चैप्टर आपको ठीक लगा होगा, समझ में आया होगा। इसकी PDF मैं अपने ग्रुप पर शेयर कर दूंगा, आप वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। मूल अधिकार से संबंधित क्वेश्चन हर प्रकार के एग्जाम में आते हैं, तो कृपया करके मूल अधिकार से संबंधित चीज़ों को अच्छे से पढ़ें, आप एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन ठीक करके आएंगे। उम्मीद करता हूँ हमारा लेक्चर समझ में आया होगा और ख़ासकर हमारे आगामी परीक्षा जो 13 नवंबर को होने वाली है उसके लिए मैं विशेष रूप से ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि हम ऑफलाइन क्लास कंडक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए हम आपकी जो सेवा है, आपका जो क्लास, आपका टाइम बर्बाद ना हो, इसलिए मैं उस पर अपना जोर दे रहा हूँ। आज तारीख है 24 अक्टूबर, दिवाली का दिन है, लेकिन मेरे लिए काम से बड़े कोई भी दिवाली नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगे और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, शेयर करें और हमारे वीडियो को, हमारी मेहनत को एक लाइक कर दें।
और आगे शेयर कर सकते हैं ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं और बेहतर वीडियो बना पाऊँ। जैसे जैसे मेरे पास और रिसोर्सेस आएंगे मैं अपनी वीडियो को और बेहतर करूँगा, इससे बढ़िया मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ रिसोर्सेस की कमी होने के कारण मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। सो आज के लिए इतना ही, बहुत बातें हो गई। जय हिंद एंड टेक केयर।